हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नया ब्लॉग। आज की जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज है गणेश विसर्जन, तो हम भी जा रहे हैं गणेश विसर्जन में भाग लेने। तो ये भगवान श्री गणेश का छोटा सा भजन कीर्तन आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग भी, और आप लोगों के वहाँ पर किस तरह से विसर्जन हो रहा है आप लोग जरूर बताइएगा हमें। कई कई प्लेसेस पर पिछले कल हो गया था गणेश जी का विसर्जन। तो गणेश जी की पूजा पिछले 3-4 हफ्तों से हो रही थी, और आज गणेश भगवान जी का विसर्जन हो जाएगा। तो हम जहाँ पर आप लोगों को हमने प्रीवियस ब्लॉग में लघु हरिद्वार बताया हुआ है, वहाँ पर गणेश भगवान का विसर्जन करवाते हैं, और बहुत ही आनंद आता है वहाँ पर, और बहुत ही पवित्र जगह है वो। तो ज़रूर देखिएगा उस ब्लॉग को भी आप। बाकी पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चली हुई है, और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना बना हुआ है हमारे एरिया में। तो आप लोगों के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ अपनी सराउंडिंग और वेदर वगैरह को जरूर हमारे साथ शेयर किया कीजिए। हमें हिमाचल का वेदर बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करना तो बनता ही है। जैसे कि ऑलरेडी आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में देखा था कि हमने अपने मक्की के खेतों से मक्की की फसल को ले लिया है, और धीरे धीरे हम अपने सभी खेतों को खाली कर रहे हैं क्योंकि विंटर का सीज़न आने वाला है और नेक्स्ट फसल की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब तो विंटर के टाइम में हम गेहूं बीजते हैं अपने खेतों में, तो उससे पहले ज़रूरी था हमारे लिए कि हम अपने ट्रैक्टर की सर्विस करवा दें। तो हमारे 2 ट्रैक्टर हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिक्चर भी मेंशन कर ली थी। तो ये जो आए हुए हैं ट्रैक्टर की सर्विस करने के लिए, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, और इनका काम भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। जिस तरह से लोग जाते हैं मार्केट में ट्रैक्टर की सर्विस करवाने के लिए, तो वहाँ पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इन मैकेनिक का मैं बताऊँ, इनके घर पड़ते हैं ग्यून में, और काम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इनका, और उतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इनके, और आपके डोर टू डोर घर आकर आपके ट्रैक्टर की अच्छे तरह से ये हर एक चीज़ ठीक कर देंगे। तो जो भी हमारे लोकल भाई देख रहे हैं हमें और जिनके पास ट्रैक्टर है, तो ये वो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट जरूर करें, इनका काम एक बार ज़रूर देखें। इतना साफ़ सुथरा काम है इनका कि आप लोगों को खुद ही फील हो जाएगा डिफरेंस मार्केट और इन भाई के काम में। हमारे पास ये 2 ट्रैक्टर हैं, एक बड़ा ट्रैक्टर है रिको इटली का, ब्लू कलर में, 7 हॉर्स पावर का है, और दूसरा जो ट्रैक्टर है वो छोटा ट्रैक्टर है, 68 cc का, एक्स्ट्रा पावर कंपनी का है। तो छोटा ट्रैक्टर हमने जो हमारे खेत बहुत ज़्यादा दूर हैं वहाँ तक ले जाने के लिए रखा हुआ है, और जो बड़ा ट्रैक्टर है उससे हम अपने बड़े बड़े खेतों की बिजाई करते हैं।
दोनों ट्रैक्टर की कंप्लीट सर्विस करने के बाद देखिए मैकेनिक खुद ही ले आए हैं इस ट्रैक्टर को हमारे खेत में, और ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसको कि ट्रैक्टर कितनी ज़्यादा डेप्थ तक बिजाई कर सकता है खेत में। तो काफ़ी अच्छा काम है इनका भाई का, और ये देखिए खुद ही ट्रैक्टर को ले आए हैं। तो ऐसा मैकेनिक देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि जो पूरी तसल्ली करवा कर ही जाता है अपने कस्टमर्स की। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने दो दो ट्रैक्टर क्यों रखे हुए हैं, तो आप लोगों को बता दूं हमारे साइड में खेत सीढ़ीनुमा आकार के हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पड़ती है। तो जो हमारा छोटा ट्रैक्टर है, जो हमारा गांव वाला घर है, वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर नीचे तक हमारे खेत पड़ते हैं। तो दूर दूर के इलाकों में हम अपने छोटे ट्रैक्टर को ले जाते हैं और इजली भी पहुँच जाता है छोटा ट्रैक्टर वहाँ उन खेतों में। ये जी है ना, ये तो खड्डा होना नहीं है। और ये है हमारी एक और मशीन जो फर्स्ट टाइम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। तो ये हमारी घास काटने की मशीन है, तो टोका बोलते हैं इसको। तो इसकी भी हम सर्विस करवा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था इसको किसी मैकेनिक को दिखाए हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। तो ये है हमारा काउ शेड और इसके ऊपर को आज फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में तालड़ बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेस इस तरह से रहता है जहाँ पर हम विंटर के टाइम में घास वगैरह को यहाँ पर रख देते हैं, और जो भी कनक वगैरह का निकलती है तूड़ी वगैरह उनके बैग वगैरह भी यहाँ पर हम भर कर रख देते हैं। विंटर और बरसात के सीज़न में घास को स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात का टाइम ऐसा है कि आप घास को ला भी नहीं सकते हो और काफ़ी मुश्किल होती है विंटर के टाइम में और बरसात के टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस रहता है कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो इसको पूरी तरह से फुल करके रखते हैं हम। विंटर के टाइम में इस स्पेस को घास से फुल करके इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि सर्दियां होती हैं, तो हमारे पशु हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अगर घास पूरी तरह से इस तरह से पैक रहेगी ये तालड़ मीन्स ये जो स्पेस है, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी नहीं आएगी और ये जो काउ शेड है ये भी अंदर से गर्म रहता है। इतना आसान भी नहीं है हमारे हिमाचल में रहन सहन, बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम यहाँ पर करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और खेतीबाड़ी कुछ इस तरह से होती है, आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं जब से हमने अपने चैनल की स्टार्टिंग की है, तब से आप लोगों को हिमाचली कल्चर हम रिवील्स करते आ रहे हैं। बाकी कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ब्लॉग, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, और किसी भी तरह की कोई भी सजेशन हो आप लोगों के पास तो वो भी आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर दें। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें प्रीवियस टाइम में जो जो भी सजेशन दी थी हमारे बहुत ज़्यादा काम आई वो, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद इतनी सपोर्ट और इतनी अच्छी अच्छी बेटर सजेशन देने के लिए। मक्की के हमारे जितने भी खेत थे उनसे हमने फसल ले ली है और मक्की के खेतों को हमने खाली भी कर दिया है। विंटर का टाइम आ रहा है तो गेहूँ बीजेंगे अब उनमें। बाकी अब हमारे ये जो खेत बचे हुए हैं धान के, तो इनमें देखिए फसल कुछ इस तरह से खड़ी हुई है अभी। जैसे जैसे फसल पकेगी ये तो उसके बाद ही धान की कटाई शुरू होगी। तो आप लोगों के साथ हम आगे इन फ्यूचर में शेयर करेंगे जब ये हमारी धान की फसल अच्छे ढंग से पक जाएगी और किस तरह से इन धान से चावल निकलते हैं वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो जैसे ये फसल पक जाती है तो इन खेतों को भी खाली करना पड़ेगा और विंटर के टाइम में गेहूं बीजेंगे सभी खेतों में हम।
कुल मिलाकर आप लोगों के साथ एक ही बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। जितना आप कड़ा परिश्रम करोगे फल भी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। कुछ फ्रूट और सब्जियां आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये हमने कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में उगाई हुई हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही था इनको। ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें। बाकी ब्लॉग हमारे अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे एक बहुत ही खास ब्लॉग, तो मिलेंगे कल।